नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आपसे के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 31,000 शिक्षकों के स्कूल आवंटन को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 37,339 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शासन आदेश की मांग को लेकर 69,000 को लेकर एक आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया, इसको लेकर ही बात करेंगे। साथ में टीजीडी पीजीडी के बदलाव के साथ नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी टेट के आवेदन और परीक्षा तिथि को लेकर जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल रही है, तो वन बाई वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे में यूपी टेट और सी टेट की एक आवश्यक सूचना भी उसको आप यहाँ सुन सकते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप। 25 अक्टूबर शाम 6 बजे से यह टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा, इससे आपके कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। शाम 6 बजे से इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से हर एक सब्जेक्ट से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनवायरमेंट स्टडी, हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथमेटिक्स से। इतना ही नहीं, इसमें आप 2,00,000 रुपये तक के प्राइज भी जीत सकते हैं। जो फर्स्ट रैंक हासिल करेंगे उनको 5,000 के अमेजोन वाउचर्स मिलेंगे, प्लस 40% स्कॉलरशिप मिलेगी 1 ईयर टीईटी सब्सक्रिप्शन पर। इतना ही नहीं, आपकी रैंक सेकंड और फिफ्थ के बीच में आती है तो आपको मिलेंगे 2,000 के अमेजोन वाउचर्स, प्लस 40% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 1 ईयर टीईटी सब्सक्रिप्शन पर। 6 से 15 के बीच में रैंक आने पर आपको मिलेंगे अमेजोन के 1,000 के वाउचर्स, प्लस 40% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर टीईटी सब्सक्रिप्शन पर। अगर आपकी रैंक 16 से 15 के बीच में आती है तो आपको मिलेगी 40% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर टीईटी सब्सक्रिप्शन पर, और 51 से 100 के बीच में रैंक वालों को मिलेगी 30% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर टीईटी सब्सक्रिप्शन। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 के लिए। 26 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है, इसको एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी लेकर आया है रिविजन बैच कोर्स ऑन एचटीईटी। एचटीईटी के बैच को एक्सेस कर सकते हैं आप 24 अक्टूबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है, आज ही एनरोल करें एचटीईटी के लिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी कंप्लीट बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 पेपर 2 स्टार्टेड ऑन 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर से शुरू हो गया है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन काफ़ी है, आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन अड्डा के 10% रेफरल कोड के साथ अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ कर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं 31,661 के लिए जब शासन आदेश जारी किया गया या फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति करवा दी जाए एक हफ्ते के अंदर, तो लगभग आप सभी को पता है कि 3 हफ्ते का समय लगा भर्ती करवाने में, और काफ़ी लंबे समय के बाद में आपकी चयन सूची जारी की गई, और इसको लेकर अधिकारियों के अंदर कहीं ना कहीं तमाम तरीके के विवाद भी देखने के लिए मिल रहे थे। अंततः भर्ती आप सभी के सामने देखने के लिए मिल गई, लेकिन अब ऐसे में स्कूल आवंटन का समय आ चुका है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है, अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए तमाम शासन आदेश भी जारी हो गए, लेकिन यहाँ पर भी आपको समस्याएँ देखने के लिए मिल रही हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से बार बार जल्दीबाजी में मामले को थोड़ा मुश्किल बना दिया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वैसे तो 31,000 के लिए तमाम याचिकाएं कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मामला कोर्ट का नहीं है, यहाँ पे जो मामला है वो है अधिकारियों की जल्दीबाजी का। 31,000 शिक्षकों की भर्ती में यूडाइस पर छात्रों का पंजीकरण नहीं है, तो कैसे अध्यापकों की जो संख्या है वो तय हो पाएगी? सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालय में 31,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विद्यालय आवंटन RTI 2011 के मानक के अनुसार करने के लिए बोला है, जिससे छात्र अध्यापक का जो अनुपात है उसके आधार पर यहाँ पर जो घोषणा है वो सरकार की तरफ से की गई और शासन आदेश के अंदर
स्पष्ट तौर पर जानकारी दी भी गई है। सचिव की ओर से कहा गया है कि आवश्यकता वाले विद्यालय को चिन्हांकन करके यूडाइस पर उपलब्ध 30 सितंबर 2020 को छात्रों की संख्या के अनुसार किया जाएगा, लेकिन हालात ये हैं कि प्रदेश के किसी भी जिले में यूडाइस पर छात्रों का पंजीकरण का काम पूरा नहीं हो सका है। अब ऐसे में जब तक कहीं ना कहीं छात्रों का जो यूडाइस का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा या पंजीकरण पूरा नहीं हो पाएगा तो शिक्षकों की संख्या किस प्रकार यहाँ पर तय होगी, इसी को लेकर आपके सामने लिखा हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल सर की घोषणा के बाद में यहाँ पे जो कार्य वो शुरू किया गया है। अब ऐसे में यदि प्रदेश के सभी जिलों के बीएसए एवं अगर शिक्षक भी लग जाएं तो प्रदेश के अगर हम बात करें लगभग 1.25 लाख विद्यालयों में यूडाइस का जो पंजीकरण है 2 दिनों में हो पाना मुश्किल है, ऐसा जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में 2 दिन के अंदर कैसे होगा ये तो जानकारी अब सचिव ही दे सकते हैं या फिर सरकार के अधिकारी दे सकते हैं जिनकी तरफ से शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है। तो 2 दिनों में हो पाना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन सचिव की ओर से कहा गया है कि रिक्त पदों की गणना पर कार्यरत शिक्षामित एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षक विहीन विद्यालय की सूची वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक आयु वाले अध्यापक को नियुक्ति में वैधता दी जाएगी और साथ में आयु समान होने पर, जैसा कि मैंने आप सभी को जो शासन आदेश के अंदर भी दिखाया था कि अल्फाबेटिक नंबर के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ से वरीयता मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो शिक्षकों के स्कूल आवंटन को लेकर है कि 2 दिनों के अंदर इतना सब कुछ कैसे किया जाएगा, इसको लेकर थोड़ा असंभव सा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी है सरकार की तरफ से जल्दीबाजी में तमाम फैसले भी आपको देखने के लिए मिले हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है 31,000 के बारे में, बाकी अब सचिव की तरफ से किस प्रकार इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा इसके लिए आप सभी इंतजार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 37,339 अभ्यर्थियों के लिए आज की तारीख में अभ्यर्थियों की तरफ से पोस्टर वार शुरू किया गया। पोस्टर वार के साथ साथ उनकी तरफ से यहाँ पे जो अपनी मांगे हैं या फिर अधिकार मांग पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसको लगातार जब आप सभी ज्ञापन सौंपने जाएं तो इस पोस्ट को भी साथ में लेकर के जाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उससे कहीं ना कहीं आपको प्रिंट आउट निकलवाने में आसानी रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 37,339 भर्ती के द्वितीय चरण के शासन आदेश की भी यहाँ पे जो मांग है वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर कब आएगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी तो नहीं निकली है, लेकिन कब आना चाहिए और कब तक आएगा इसके बारे में जानकारी आपको ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना है। इसी को लेकर जैसा कि आपको पता है कल से जो कोर्ट है वो खुलने वाली है, अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि आगामी 3-4 दिनों के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। तो ऐसे में अब ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा बड़ा सवाल है, लेकिन इसके अंदर 4-5 दिनों में अगर ऑर्डर नहीं आता है तो सरकार की जो अपील है वो वहाँ पे अवश्य जानी चाहिए, जिससे कि आगामी 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये हमें कंफर्मेशन मिल पाए कि ऑर्डर कब तक आने वाला है और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जो भी अभ्यर्थी 37,339 से हैं अपने कहीं ना कहीं भर्ती के लिए शासन आदेश की मांग रखिए, मांग कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर की ही है, लेकिन अगर आप लोग इन प्रकार की मांगों को आगे लेकर के जाएंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो दोस्तों 37,339 अभ्यर्थी लगातार जो ज्ञापन सौंपने का कार्य करते रहिए। 27 तारीख को आपको पता है जनपद स्तर पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे, इसके अलावा लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन भी होगा जहां पर तमाम मांगे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीटेट 2020 को लेकर, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2020 कराने का जो आदेश है जल्द जारी होने के संकेत हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा है, जैसा कि आप सभी को बताएं उनकी तरफ से 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन शासन की तरफ से अभी तक जो अनुमति है वो नहीं मिली है। अब ऐसे में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं नए साल की शुरुआती महीने में हो सकती है शासन आदेश जारी और कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन आवेदन की आदि की प्रक्रिया होगी वो अगले माह दोस्तों शुरू होने की प्रबल संभावना है। अगर आपको याद होगा 2 से 4 दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि जनवरी के अंदर आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है और नवंबर महीने के अंदर आपके ऑनलाइन आवेदन लेने की कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन की तरफ से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। तो ऐसे में आप लोग मान सकते हैं कि आवेदन जो आपके होंगे वो नवंबर के अंदर हो सकते हैं और जो आपकी परीक्षा होगी वो जनवरी के लास्ट में भी आयोजित करवाई जा सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी यूपीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया फ्री टेस्ट भी आप सभी दे सकते हैं और भी तमाम चीज़ें लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, इंटरेस्टेड जो अभ्यर्थी हैं वो जाकर के देख सकते हैं। तो इस बार जो आवेदन होंगे लगभग 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है।
क्योंकि इस परीक्षा में सफल होने वालों की जो तादाद है वो काफ़ी कम रहती है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा का जो आदेश है वो जल्द मिलने की संभावना है और जल्द फिर यहाँ से जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया जाएगा यूपी टीईटी 2020 का। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें 69,000 के कोर्ट आदेश को लेकर, कल दोस्तों मैंने आप सभी को समझा दिया है कि संशोधन वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं क्या करना है, कौन कौन से अभ्यर्थी को परेशान होना है और किस प्रकार आपके जो सॉल्यूशन है वो मिलेंगे। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं, आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में आवेदन में त्रुटि सुधार की अनुमति हाईकोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। जो अभ्यर्थी 67 या 867 के अंदर नहीं है या फिर और भी तमाम चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि तमाम अलग अलग याचिकाएँ लगी हुई हैं, कल सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस भी जारी थी, तो मैंने आप सभी को समझा दिया था कि जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई वो याचिका थी धर्मेंद्र कुमार की, जिस याचिका को यहाँ पे खारिज किया गया है। और अब इसके अलावा कल एक और याचिका लगी हुई थी जो कि अरविंद के नाम से थी, उसकी सुनवाई 5 नवंबर को होगी। तो अलग अलग याचिकाएँ होने की वजह से सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन फिलहाल जो धर्मेंद्र कुमार की याचिका थी उसको खारिज किया गया, किसी प्रकार का कोई भी संशोधन करने की जो मांग है वो की गई थी अब ऐसे में उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। बाकी आगामी समय के अंदर क्या होगा, जो सचिव की तरफ से 10 दिन का समय दिया गया उसको लेकर आप लोग इंतजार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, पिछले 2-4 दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी है कि आगामी समय के अंदर आपको नई शिक्षक भर्ती मिलने वाली है, ऐसी जानकारी आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से मिली है। तो ऐसे में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस महीने के अंत तक आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, संभवतः 31 अक्टूबर को आपका विज्ञापन आने की संभावना है, मतलब एक हफ्ते का जो समय है वो शेष है। शायद अब माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टीजीटी पीजीटी लगभग 15,000 पदों के ऑनलाइन आवेदन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी भर्ती, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। 15,000 पदों को DIOS एवं अगर बात की JD के माध्यम से सत्यापन भी पूरा करवाया जा चुका है। BEd बेरोजगार, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2016 के बाद से एक लंबे समय से भर्ती अभी तक टीजीटी पीजीटी की नहीं आई थी, तो ऐसे में 2020 में आने वाली मान के चलिए 21 ही आ गई है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ बदलाव भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। पहला बदलाव कि TGT के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं करवाया जाएगा। दूसरा बदलाव ये होगा कि EWS आरक्षण इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 10% होता है, इससे पहले नहीं मिलता था, ठीक है। दूसरा के बाद अगर हम बात करें, तीसरा जो बदलाव होगा वो ये होगा कि आगामी समय के अंदर जो आपकी आवेदन फीस है वो भी बढ़ा दी जाएगी और भी तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी जैसे ही विज्ञापन जारी होगा। तो संभवतः मान गए कि चलिए कि इसी महीने के अंत तक आपका जो विज्ञापन है वो आने की प्रबल संभावना है। बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन डफोश्री चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।